नमस्कार, प्रियाज वेज किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आता तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आज की रेसिपी है टमाटर की मीठी चटनी, जो बिहार में बहुत तरीके से बनता है। ये बिहार में स्पेशली सबको बहुत पसंद आता है, बिहारी स्पेशली चटनी इसको मानिए। जैसा हम लोग के यहाँ बनता है, टमाटर की मीठी चटनी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने टमाटर, अभी ठंड के दिनों में क्या होता है ना, देसी टमाटर मार्केट में अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे बहुत यहाँ लाल तो नहीं मिला, लेकिन आप अपने तरफ देखिएगा तो बहुत लाल लाल मिलता है। तो उससे क्या होता है, चटनी का कलर बहुत ही सुंदर आता है। तो ये जो भी है मेरे पास, मैं उसी का बना के आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये टमाटर की जो मीठी चटनी होती है ना, इसकी बहुत सारी रेसिपी होती है। तो आज एक रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जिसको आप सत्तू पराठा, कोई भी स्टफ्ड पूरी पराठा के साथ खाइए, आलू पराठा के साथ, सत्तू पराठा, मटर पराठा या दाल चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, आपको जिनको पसंद आता वो सब चीज़ के साथ ये खाते हैं। और एक अदरक का टुकड़ा। तो अब मैंने टमाटर सारा काट लिया था। हाँ, टमाटर को अच्छे से धो के फिर उसको काट लें। ये देखिए, पांच फोरन में बनाएंगे। सरसों के दाने चौथाई थोड़ा सा, उतना ही मेथी चुटकी भर, और एक चुटकी ये मंगरेला, सौंफ और जीरा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, चौथाई चौथाई चम्मच। और बाकी सरसों, मेथी और मंगरेला उसको चौथाई चम्मच का भी आधा लिया है। तो सरसों तेल कढ़ाई में डाले, उसमें सारा पांच फोरन डाल दिए। तो पांच फोरने के ही मैं मीठी चटनी बना रही हूँ तड़के में। एक तेज पत्ता, चुटकी भर हींग जाएगा इसमें टेस्ट और फ्लेवर के लिए। तो ये हींग, अब इसमें अदरक। अदरक आप लोग अलग से भी घस के दे सकते हैं, लेकिन मुझे आसान होता है तो मैं कढ़ाई के ऊपर ही तुरंत घस देती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है। तो मैंने आधा से ज़्यादा इसको घस के ले लिया है। और इसको 5 से 6 सेकंड अदरक को तेल में रहने देते हैं, जिससे क्या है, इसका अदरक को ज़्यादा नहीं भूनना होता, 5 से 10 सेकंड बहुत हो गया, इसका कच्चापन निकल जाए सिर्फ, क्योंकि हल्का कच्चापन भी रहेगा ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब जो कटा हुआ टमाटर था, आप महीन भी बिल्कुल काट सकते हैं, मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही इसको रखा है, इसको डाल दिए। नमक इसमें जाएगा चौथाई टीस्पून, जिससे क्या है, नमक इसको गलाएगा। और जो अब आप मीठा डालेंगे तो मीठा भी उभर के आता है, बैलेंस करता है एक तरीके से, खट्टा मीठा को ये नमक। तो अब ढक करके इसको गलने देते हैं। तो लाइट चली गए तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कम दिखे, तो इसको अच्छे से देखिए गल गया है, बहुत सारा रस छोड़ दिया है। और देसी टमाटर में ना थोड़ा जूसी होता है देसी टमाटर, तो इसलिए इसकी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट भी एक अलग टाइप का आता है, तो इसलिए इसकी चटनी ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। अब इसमें चीनी मैंने डाला है, करीब करीब 1 किलो टमाटर था, मैंने आधा कप, ये जो नापने वाला था, आधा का थोड़ा कम लिया, आधा से भी थोड़ा कम ही लिया है चीनी। ऐसे मीठा आप थोड़ा सा टेस्ट करके बाद में देख लें, चीनी गल जाए आप अपने अकॉर्डिंगली, ऐसे आधा कप से थोड़ा कम, इस आधा का आधा समझिए आप चीनी लीजिए तो ठीक रहेगा, लेकिन आप चीनी अपना अपने अकॉर्डिंगली आप टेस्ट करके फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी के गलने तक, चीनी भी अच्छे से गल चुका है और टमाटर भी देखिए साथ में अच्छे से, इसको दबाते रहिए। ये चटनी बहुत हर घर में बनती है और हर तरीके से बनती है ये मीठी चटनी, और हर तरीके का और हर तरीके में टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ये काला नमक चुटकी भर, थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो थोड़ा सा कलर इसका अच्छा आएगा। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं गुड़ भी डालूंगी 1 चम्मच। तो लेकिन आप पूरा चीनी में बनाइए या पूरा गुड़ में बनाइए, गुड़ में से क्या होता है ना, एक सोना टाइप का टेस्ट आता है। तो अब इसमें हमारे तरफ वो गीला गुड़ होता है ना, हम लोग तो उसको गीला गुड़ कहते हैं, वो वाला ये गुड़ है, तो वो 1 चम्मच डाल दिए।
इससे कलर और अच्छा हो जाएगा, चीनी कैरमलाइज होता है तो उसका एक टेस्ट अलग आएगा, और लास्ट में बस गुड़ डाल करके गुड़ के गलने के बाद 2 मिनट इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है। तो टमाटर की चटनी तैयार है। इसको मैंने निकाल लिया है। इसको आप अपने मनपसंद पराठे के साथ खाइए, रोटी चावल जिस भी चीज़ के साथ चाहिए खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। मेरे तरीके से 5 फोरन वाली टमाटर की बिहारी मीठी चटनी बनाइए, तो कैसी लगी रेसिपी बताइए।